आखिर ये दोनों लड़कियां कौन है जिसे देखने के बाद बीटीएस आर्मी खुश भी है एंड सैड भी, और ये जोंगकुक से कैसे और कब मिली, और इस बार जोंगकुक ने किस न्यू हिस्ट्री को क्रिएट कर दी है जिसे अभी तक किसी भी कोरियन पर्सन ने नहीं किया था। अगर आपको भी इन सारी चीजों के बारे में डिटेल्स में जानना है तो वीडियो को एंड तक देखो। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले ही जोंगकुक फीफा वर्ल्ड कप में परफॉर्म करने के लिए कतर गए हुए थे, जहां पे वो कुछ दिन रुके भी थे। और जिस होटल में जोंगकुक को रखा गया था वो होटल किसी होटल की तरह नहीं बल्कि किसी महल की तरह लग रहा था, जहां पे जोंगकुक का ख्याल किसी स्टार की तरह नहीं बल्कि एक रॉयल प्रिंस की तरह रखा जा रहा था। ये होटल दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था और इसकी हर एक साइड बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी। और इसी होटल के कुछ स्टाफ ने जोंगकुक के साथ अपनी कुछ फोटोज को भी क्लिक कराए और उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पे इसे शेयर करा। फोटोज में देखा जा सकता है कि टू मेल स्टाफ एंड टू फीमेल स्टाफ के साथ जोंगकुक अपनी फोटोज को क्लिक करा रहे हैं। एंड ये सेकंड फोटो में देखा जा सकता है कि ये दोनों गर्ल्स स्टाफ मेंबर जोंगकुक के काफी ज्यादा क्लोज हैं एंड जोंगकुक ने इनके शोल्डर पे हाथ रखकर फोटोज को क्लिक कराए हुए हैं। वैसे तो ये फोटो नॉर्मल है बट इसे देखने के बाद काफी सारी बीटीएस आर्मी इन दोनों स्टाफ मेंबर से बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रही है कि ये दोनों स्टाफ मेंबर जोंगकुक के कितने ज्यादा क्लोज है। बट आर्मी इनके लकी होने पे भी बहुत ही ज्यादा खुश है कि ये दोनों स्टाफ मेंबर कितने ज्यादा लकी है कि इन्हें जोंगकुक से मिलने का मौका मिला और उन्होंने इनके साथ सेल्फी भी ली। एंड थर्ड फोटो में देखा जा सकता है कि जोंगकुक वहाँ के लोगों से बात करते टाइम कितने ज्यादा कंफर्टेबल लग रहे हैं और कितने ज्यादा खुश लग रहे हैं। वैसे बीटीएस से मिलना, उनका ऑटोग्राफ लेना और उनके साथ सेल्फी लेना ये चीज बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है, बट कुछ लोग इतने ज्यादा लकी होते हैं कि उन्हें ये सारी चीजें इतनी आसानी से मिल जाती है कि उनके बारे में क्या ही कहें। वैसे क्या हो आप अगर बहुत ही इजी तरीके से आप बीटीएस से मिल पाओ, उनके साथ सेल्फी लो और साथ ही आपको उनका ऑटोग्राफ भी मिल जाए तो आपका रिएक्शन क्या होगा, ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही मुझे कमेंट करके ये भी बताना कि आप उन दोनों स्टाफ मेंबर के लिए खुश हो या फिर सैड। जोंगकुक ने इस बार जिस हिस्ट्री को क्रिएट की है उसे अभी तक किसी भी कोरियन पर्सन ने नहीं किया है। अब आप सब मेरी ये बात सुनने के बाद तो सोच ही रहे होंगे कि आखिरकार जोंगकुक ने किस नए अचीवमेंट को अचीव किए हैं जिसे अभी तक किसी भी कोरियन पर्सन ने अचीव नहीं किया है। तो मैं बात कर रही हूँ फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। जोंगकुक वो पहले पर्सन है जिन्हें फीफा वर्ल्ड कप 2022 की ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया था। और जाने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहे। मिलती हूँ मैं आप सबसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।